गोटे टाइप्र भेंडी रेसिपी को खाई खाई बोर हो गले ना तबे एमती टाइप्र भेंडी को बनातु मुझे टाइप्र बनाऊँ आउ खातु देखिए थे बन खाइला आप बारंबार खाइबा इच्छा प्रकाश करेंगे। तो नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। ओडिशा किचन को आपण मानक स्वागत। आज मुझे जो भेंडीर रेसीपीटी को बनईबी ना तो ताकि मुझे भेंडी को प्रथम धोईने आगे परिष्कार पोछीदेली। तो भेंडीर ये रेसीपीटी को बनवाई आप सदा बेले कौलिया नरम भेंडी ही चूज करेंगे आउ बेसी बड़ बड़ पीस करके काटबे कि बेसी छोट छोट करटे मीडियम सैज्र भेंडी को काटबे। यही रेसीपी सब भेंडी को मुझे मीडियम सैज्र काटिक नहीं आमको दरकार पिज मुझे दुईटा पिज को नहीं पिज को काटिक तार कोला गुड़िकमी अलग कर नहीं रेसीपी पिज क्वांटिटी टी अधिका देवे मुझे 250 ग्राम भेंडी सपाखापा नहीं आउ दुईटा पिज को एमती बड़ बड़ एम कोला छोड़ी नहींनि आउ गोटे पिज को ग्राइंड करने आमको ये भेंडी पिजर मसला गोटे मसला रेडी करने मुझे 10-12 कोला रसुण नहीं 8-10 कंचा लंका नहींको बेस किसी मसला दरकार ना बास पिज रसुण आ कंचा लंका ही दरकार ग्राइंड कर ना देखार कारण या कि देखो मसलाटा को मुझे बाटी ना बिलकुल भी पा एड करें जस्ट सेमती ही दरदरा बाटिदेवे बिलकुल भी पा एड करके बाटबे तो ये मुझे गोटे कड़े नहीं जाइए आ कड़ई गरम होता देहर मुझे किसी तेल ऐड कर देबे सोरस तेल मुझे नहीं चाहिए जेकोसी सनफ्लावर ऑयल नहीं पारे तो ताद मुझे जो भेंडी को काटिक रखी थी ताड करदेवि हाफ चमच मुझे हल्दी पाउडर पकईदेवि आल भाव हालाका करके भेंडी को भाजी नेबि बेस भाजबे भेंडी को मुझे ये देखो भेंडी मोर भल भाव भाजी होगा आम एवं बाहर कर ना और से सेम कड़े मुझे आउ गोटे चमच तेल ऐड कर देबी आउ जो प्याज को नहीं थी ना काटिकी ताको मु हल्का हल्का करके भाजी नेबी बेसी भाजबे जस्ट टिके जमती मऊली जीवा टाइप सेमती टिके भाजबे प्याज को देखो मुझे बेसी भाजनी जस्ट 30% कुक हवा माप में मुझे भाजी नहीं प्याज को बाहर करने भी कढ़ई में आउ गोटे चमच तेल ऐड कर देबी तेल भल भाव गरम होगा देखते मुझे गोटे चमच जीरा ऐड कर जीरा को टिके भल भाव फुटापी छाड़ा जीरा भल भाव फुटीगला कौन करवा जो मु प्याज रसुण आ कंचा लंका को बाटिक नहीं थी ना ताको ऐड कर देबी आउ भाजी नेबी गैस फ्लेम को मुझे बारंबार कही जोसी मसला आप कषे गैस फ्लेम को बिलकुल भी हाई करें मीडियम रखिक कषे मसला आम मसलार बिलकुल भी लुण ऐड कर ना भेंडी भजा और पिज भजार तो मुझे गोटे चमच लुण दली हाफ चमच हल्दी पाउडर हाफ चमच जीरा पाउडर हाफ चमच धनिया पाउडर ए सबको ऐड करके भल भाव मिसई ने मुझे तो कंचा लंका ऐड करी मसलार ग्राइंड करी एवं मुझे भल कलर पर गोटे चमच ये काश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर गोटे टमाटो को ग्राइंड करके नहीं ऐड करने सबको भल भाव मिसई ने टमाटो को पूरा मसला सहित भल भाव मिसीदेवि जमी टमाटर रस पूरा सुखी जावा पर्यंत मसलाटा को मुझे कषि ये मसला भल भाव कषि हो समय ना तादेहर मुझे गोटे चमच आमचूर पाउडर ऐड करी आमचूर पाउडर को निहाती ऐड करेंगे ये भेंडी आउ प्याज रेसीपी टेस्टा भल आसवापी जदि आपखे आमचूर पाउडर न थाए तेब आप खाड़े लेंबू कि दही ऐड करपारती एबे मु गोटे टमाटो को एमती देखते एमती साइज़ छोटा छोटा काटिक नहींड करदेवि मसला मोर देखु भल भाव कषि होगा एवं आम कौन करवा देहरे हाफ कप मापर पानी देदे पानी को टिके भल भाव फुटापी छाड़ा आते ऐड कर गैस फ्लेम को पूरा हाई रे रखिए पानी देखते मोर फुटा स्टार्ट एबे जो भेंडी को आउ पियाज को भाजिक रखी थे ये मसला देहरे ऐड कर दबा आ भल भाव मिसई ने आपण भेंडी रो क्वांटिटी देखिकी ही देहरे पानी ऐड करेंगे कहीं तरकारीटा एक्चुअली टिके
ग्रेवि ग्रेवि रहिले भल लगे अधिक पानी करिवेनि याकु जते ग्रेवि ग्रेवि रखिबे सेते भल। एबे आमे याकु 2 मिनिट पई घोडने लगे के छाडनबा। 2 मिनिट पर देखंतु हेइ गेलानि आ भेंडी पियाज आ मसला सब भल भाबरे परस्पर सहित मिसी गेलानि। भेंडी मोर पूरा भल भाव सीझी जाइए। टमाटो जो काटिक नहीं थी सीझी जाइए। अधिक आम यहाँ सुखानी ग्रेवि ग्रेवि रखा। एवं आम कौन करवा ना देहरे गोटे चमच गरम मसला पाउडर ऐड करदे बास रेडी गला। आमर भेंडी आउ पियाजर टेस्टी मसालादार रेसीपी। एवं आम यहाँ सर्व कर ना। तो दर्शक बंधु देखिपारे कि इजी प्रोसेस मुझे भेंडी आउ पियाजर रेसीपीटी को बनईदेली। या रुटी सहित तो, कि गरम गरम भात सहित तो आराम से खाईपर बहुत ही टेस्टी रेसीपी। आ खाइले आपण को बारंबार बनई खाइबा इच्छा हे मुझे ग्यारंटी दे आपको। तो देखिपाले दर्शक बंधु कि इजी प्रोसेस रे बहुत ही टेस्टी रेसीपी मुझे झटपट बनईदेली। तो आपण मैंने भेंडीर ये टेस्टी रेसीपीट को ट्राए करूँ आउ खाई कमेंट बॉक्स रे जनातु मोर रेसीपीटे आपमती लगला। जदि आपको भिडियोटी भल लगी थाए तेब लाइक करदे सेयार करदे आ सब्सक्राइब करदे पाखे बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँफल मुझे नुआ नुआ भिडियो गुड़िक अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपण मानक जल्दी पहुँची। रहुची नमस्कार। जय जगन्नाथ।